हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने, देखिए। और सबसे पहले आज 13 तारीख है, कल 14 जनवरी है और कल है संक्रांति। तो सबसे पहले हैप्पी महासंक्रांति आप लोगों को, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और हमारे पिंकी की दुनिया परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से, जो जो लोग मुझे देख रहे हैं सभी के लिए हैप्पी संक्रांत। और आज मैं आप लोगों को मेरे इधर किस तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो लड्डू बनाना एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी शेयर कर पाऊँ मैं कि हम लोग किस तरीके से लड्डू बनाते हैं, और मैं रेसिपीज़ भी शायद शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं तो शायद मैं ना शेयर कर पाऊँ, बट देखते हैं कि कैसे बनता है ये ब्लॉग। और ये देखिए किचन की हालत, सारा सामान रखा हुआ है, मूंगफली दाना, तिल्ली और सूजी ये भुन रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और एक बार और मेरी तरफ से हैप्पी संक्रांति। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक और मैं आपके साथ अपने लड्डू की प्रोसेस शेयर करती हूँ कि क्या क्या करके, कैसे कैसे करके हम लोग बनाते हैं लड्डू संक्रांति पे खास करके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सूजी भून रही हूँ मैं, और आज मैं सारा सामान जो जो भूनने वाला है वो भून लूँगी सबसे पहले। और भूनने के बाद इसके बाद एक बार में ही चाशनी ले करके और फिर लड्डू बांधेंगे हम। पूरे लड्डू जो है एक बार में ही बांध लेंगे, मतलब अभी भून करके सारा सामान रख लेती हूँ इकट्ठा और फिर चाशनी ले करके और फिर चाशनी को डालते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग ताकि ना बार बार चाशनी बनाना पड़े ना बार बार भूनना पड़े। तो ये मैं घी डाल करके भून रही हूँ, इसी तरीके से मैं सारा सामान जो है अपना भून लेती हूँ। तो ये देखिए सूजी भून ली है मैंने। सूजी को आपको मैंने थोड़ी देर भूने हुए दिखाया है, बट आधा घंटा से ज़्यादा मैंने भूना है उसको। हल्का हल्का सा उसमें रेडपन सा आ गया है, भुनी सी खुशबू आने लगी है, तो उसको उतार के रख दिया है। और ये मैं तिल्ली को भून रही हूँ, तो तिल्ली की गजक बनाएंगे हम। और इसके बाद में तिल्ली को भूनने के बाद में हल्का सा इसको मिक्सर में चला देंगे हम। तो वही मैं भून रही हूँ। तिल्ली को अच्छे से बीन करके मैंने उसके कंकड़ पत्थर जो भी थे, वैसे साफ़ है बिल्कुल तिल्ली, और उसके जो है धो करके उसको और सुखाया है धूप में। तो इसके बाद में अब इसको भून लेंगे। तो यही चलाते हुए मैं भून रही हूँ। और इसकी गजक जब हम लोग बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग पक्का देखिएगा कि मैं इसकी गजक किस तरीके से जमाती हूँ, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और देखिए वो भी हमारा भून गया है तिल्ली भी, और इधर रिंकू काट रही है ड्राई फ्रूट्स, मैंने बोला कि तुम काट लो। और ये भी एक काम ही है क्योंकि इसको भी बैठ करके काटना ही पड़ता है, तो मैंने बोला कि साथ साथ में इनको भी काट लेते हैं और फिर साथ साथ में लड्डू में डाल करके बनाते जाएंगे। तो बस वही काट रही है ये इधर, और मैं उधर देखिए कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, वो गर्म हो जाएगी तो मैं मूंगफली दाना और भून लेती हूँ साथ में, ताकि दोनों बहनों का काम में साथ साथ में होता जाएगा। और फिर मूंगफली दाना भूनने के बाद में फिर बचेंगी बेसन की पूड़ियाँ, तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए तो वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यही भून लेते हैं मूंगफली दाना, इधर रिंकू ये काट लेगी और उधर हम लोग मैं मूंगफली दाना भून लूँगी। जब रिंकू होती है ना तो हम मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि एक बात करने वाला साथी अगर साथ में हो, हम दोनों बहनें बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत टाइम निकल गया हम लोगों को साथ में रहते हुए, मतलब उसको भी आदत हो गई है मेरे पास में रहने की। तो ये देखिए वो ड्राई फ्रूट्स भून रही है और काट रही है, और मैं अपना मूँगफली दाना भून लेती हूँ। तो उसने ड्राई फ्रूट्स काट दिया है और अब वो मूँगफली दाना भूनने लगी है, और मैंने बोला कि तू मूँगफली दाना भून ले और मैं यहीं पर बेसन का जो है आटा गूंद लेती हूँ, ताकि हम लोग बेसन के भी साथ साथ में बना लेंगे, क्योंकि बेसन के लड्डू बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसकी पूड़ियाँ बनाना, आटा गूंदना पड़ता है, फिर पूड़ियाँ बनानी पड़ती है, फिर उस बूरा को, पूड़ियाँ जो होती हैं उसका बूरा बनाना पड़ता है, फिर बूरे को छान के फिर भूनना पड़ता है, इसके बाद फिर बनते हैं बेसन के लड्डू। तो वही ये मैंने 3 किलो बेसन लिया है,
तो ये मैं पूरा छान लूँगी क्योंकि आने जाने वाले लोग भुआ वगैरह भी हैं, तो इसीलिए मैं पूरा छान लूँगी। और फिर कोई कोई लोग आते हैं तो फिर अच्छा लगता है देने में, क्योंकि संक्रांति पे जो है घर में बहनें वगैरह या जो भी लोग आते हैं तो फिर अच्छा लगता है अपनों को देने में कि आपने कैसे लड्डू बनाए। फिर बातें होती हैं कि उसने बहुत अच्छे लड्डू बनाए थे, उसके बहुत अच्छे लगे थे। तो इसी तरीके से देखिए मैं ये जो है छान रही हूँ बेसन को। वैसा बेसन तो बहुत ही अच्छा देते हैं जिनसे मैं ख़रीद के लाती हूँ, वो बहुत ही प्योर बेसन देते हैं, बहुत ही अच्छा। बट फिर भी एक बार मैं छान लेती हूँ। तो देखिए मेरे बेसन के लड्डू ज़रूर देखिएगा आप कि मैं किस किस तरीके से बनाती हूँ, और फिर आप लोग बनाइएगा। रियली में इतने यम्मी और टेस्टी बनते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, और मतलब इतने टेस्टी बनते हैं खाने में। और बच्चे मेरे इनको, मेरे इस बेबी को बहुत पसंद है, इसी को सूजी का लड्डू पसंद है और बेबी को बेसन का। तो इस बार देखते हैं वो लोग क्या खाते हैं, पिछली बार तो वो लोगों ने ऐसे ही पसंद कर करके खाए थे, तो अब देखते हैं बड़े हो गए हैं ना एक साल, तो पता नहीं पसंद भी चेंज हो सकती है बच्चों की। तो अभी देखते हैं कि किसको क्या चीज़ पसंद आती है। तो चलिए पूरा मैं छान लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा मूंगफली दाना भून गया है, काफ़ी टाइम इसमें लगता है भूनने में। तो ये देखिए ऐसे करके हम लोग भून लेते हैं इसको, फिर इसका छिलका उतारना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसको कूटना पड़ेगा, तब जा करके ये लड्डू भी बन, ये भी बनता है बेसन, ये मूंगफली की गजक। और अब देखिए आटे में मैं क्या डालूँगी, एक चम्मच हल्दी मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए, तो इसीलिए मैं इसको डाल रही हूँ। क्योंकि इसमें हम लोग चीनी वगैरह की चाशनी डालते हैं जो कि शरीर को ठंडा करती है, उसके साथ साथ अगर हम लोग हल्दी का प्रयोग करेंगे और मार्केट के जो कलर आते हैं वो केमिकल से बने हुए रहते हैं, और हल्दी हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है, इसीलिए हमें लड्डुओं को कलरफुल थोड़ी बनाना है, हम लोगों को येल्लो करना है लड्डुओं को, तो इसलिए हम इसमें जो है बेसन में हल्दी डाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है येल्लो बनाने का लड्डुओं को। तो ये देखिए आप जब भी बेसन के लड्डू बनाएं तो बाज़ार का मार्केट का पाउडर यूज़ करने से कलर वाला अच्छा है कि आप घर का बना हुआ हल्दी वगैरह का यूज़ करें जो कि नेचुरली होता है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये देखिए मैंने आटा, देखिए बहुत कड़क बनाना पड़ता है इसका क्योंकि तभी पूरियाँ बनती हैं इसकी, क्योंकि बेसन की तासीर वैसे ही चिपकने वाली होती है। तो मैंने देखिए बहुत मुश्किल से बनाया था आटा, और ये देखिए आटा बन गया है। इसको अब हम लोग 5 मिनट के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद पूड़ियाँ निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको गूंथ लिया है, और काफ़ी टाइम इसने लगा था, 40 से 50 मिनट इसमें लग गया था बनाने में ही। तो ये देखिए अब मैंने कढ़ाई रख दी है, रिफाइंड भी डाल दिया है कढ़ाई में, और ये आटे की देखिए ऑयल लगा लगा करके, क्योंकि हाथ में चिपकता है हल्का सा, और आटे की ऑयल लगा लगा करके ऐसे लोइयां बना करके रख लूँगी जिस साइज़ की मेरे को पूड़ियां बनानी है, क्योंकि पूड़ियों को मसलना है इसलिए पतली नहीं बनाएंगे हम, मोटी मोटी ही बनाएंगे। तो वही देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोइयां मैं ले रही हूँ ताकि मोटी पूड़ियां बने और फिर जो है मसलने में उनका बूरा बनाने में हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि पूड़ियां पतली होंगी तो टाइट बनेंगी और फिर वो दिक्कत देती हैं। तो ये अब मैं बेल बेल करके इस तरीके से निकाल लेती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब इनको हम लोग तलते हैं ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि ऐसा मन करता है कि खा लो बस। और देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं ये, और चलिए मैं निकाल लेती हूँ।
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी दिख रही हैं पूड़ियाँ हमारी। और देखिए कितनी प्यारी सुनहरे रंग की निकली हुई हैं और एक कढ़ाई में पड़ी हुई है। मैंने बोला सबसे पहले आपको पास से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी दिख रही हैं ये, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए इस तरीके से फूली फूली बन रही हैं एकदम। और ये देखिए मैंने पूरी पूड़ियाँ निकाल करके एक प्लेट में रख ली है, और ये देखिए कितनी नरम है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म है, और बच्चों इसकी खुशबू सूंघ करके बोल रहे हैं मम्मा जल्दी बनाइए कब तक बनेंगे लड्डू। और देखिए इस तरीके से कितनी नरम है, इतनी नरम है बहुत ज़्यादा एकदम रुई के जैसे। तो ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बन गई हैं, और इसका अब हम बुरादा बनाएंगे थोड़ी ठंडी हो जाए इसके बाद में। और इधर मूंगफली का छिलका उतार लिया है, और अब इसको फटकना बाकी है ताकि ये छिलका जो है उड़ जाए इसका, और फिर इसको कूटेंगे हम। और ये देखिए मूंगफली का छिलका, वैसे मसल ली है मूंगफली को, और इसके बाद मैंने भूना है सूजी। तो ये देखिए सूजी भी भून लिया है, ये भी 2-3 किलो होगा, नापा नहीं है मैंने, मेरे पास था ऑलरेडी, तो वही मैंने अंदाज के हिसाब से 3 किलो होगा करीब करीब, तो वही भून लिया है। इसके बाद मैंने भून ली है इधर तिल्ली, जो आप लोगों के सामने ही मैंने भूनी है। तो अब हम लड्डू बनाएंगे, और लड्डू जो है आपको मैं सेकेंड पार्ट में इसको बनाना बताऊँगी। और ये देखिए ये रख ली है मैंने परात में पूड़ियाँ, अब इनको मसल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लड्डू बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए मैं बैठ करके इनको मसल लेती हूँ इस तरीके से। फिर इनको जो है जिससे हम आटा वाले नहीं, थोड़ी मोटी चिल्ली आती है आटे से थोड़ी मोटी वाली, उसमें से इसको छान लेते हैं तो बूरा बन जाता है। और फिर उस बूरे का हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आगे आगे बताती जाऊंगी। तो ये देखिए बहुत गर्म है, इतनी ज़्यादा गर्म है, हाथ इतने जल रहे थे, देखिए लाल हो गए हैं मेरे हाथ में, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों हाथ मेरे लाल हो गए हैं, और मगर क्या करें, तोड़ना तो है ही गर्मा गर्म, तभी तो हमारे लड्डू बनेंगे, तभी तो हम मज़ा ले पाएंगे लड्डू का। तो बस यही मैं तोड़ लेती हूँ और मसल लेती हूँ। देखिए बूरा हम लोगों ने बना लिया है, और उधर तिल्ली को भी मैंने मिक्सर जार में एक बार चला दिया है। इसके बाद मूंगफली भी बिल्कुल साफ़ कर ली हैं, और अब बचा अब बारी है ये बेसन की, तो इसको भून लेते हैं, फिर हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा सामान हमारा भून गया है, अब सिर्फ बांधना बाकी है कि लड्डू बनाना बाकी है चाशनी ले करके। तो देखिएगा, और मगध के लड्डू की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बेसन के ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जाकर के देखिएगा मेरे चैनल पर, वो भी बहुत यम्मी और टेस्टी बनते हैं, और बहुत ही आसान रेसिपी है। और बेसन के लड्डू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बनाना लड्डू जो है चाशनी लेकर के, वो मैं सेकेंड पार्ट में इसके मैं बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, और आप लोग भी बोर हो गए होंगे देखते देखते। वैसे आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत काम की चीज़ें इस पे बताई हुई हैं। अगर इनको फॉलो करके हम लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आई होप मेरे फ्रेंड्स लोगों की इससे बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर हेल्प हुई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए हमारा बूरा जो है भुनने लगा है, तो सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, और उसको देखना ना भूलें, तभी आपको लड्डू बने हुए मिलेंगे और खाने के लिए गर्मा गर्म। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।